आपकी तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए? प्रदूषण को लेके फायर क्रैकर्स पे जो एक्शन है वो लिए गए हैं, और अभी तक पूरे इस सीजन में 3500 किलो के आसपास फायर क्रैकर्स हैं वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पकड़े हैं, और उन पे FIR दर्ज करके हमने कानूनी कार्रवाई की है। और भी ये जो बेचने वाले थे उन पे एक्शन लिया गया है, और इस पे नज़र रखी जा रही है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो तुरंत उन पे सख्त कार्रवाई की जा रही है, और ये कंटिन्यू होगा। साथ ही साथ जो हमारे यमुना खादर का एरिया, यमुना के साथ लगता हुआ एरिया है, वहाँ से वहाँ पे हमने ड्रोन द्वारा वीडियोग्राफी कराई है, एरियल वीडियोग्राफी कराई है, ताकि ये देखा जा सके कि कोई एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग हो तो नहीं रही है। तो इसके लिए भी लगातार हमारी कोशिशें जारी हैं, और ड्रोन द्वारा वीडियोग्राफी कराई जा रही है इसकी। कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जा रही है ड्रोन के जरिए, रेगुलर इंटरवल्स पे की जा रही है, और साथ ही साथ इसके जो ग्राउंड बेस्ड पेट्रोलिंग होती है वो भी की जा रही है। सर, इस पूरे जब से पॉल्यूशन बढ़ा है अब तक कोई केसेस वगैरह कुछ ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं क्या? हाँ, करीब 10 के आसपास केस रजिस्टर हो गए हैं, जिनमें ये फटाके हैं जिनको सीज किया गया है। सर, दिवाली या परसों दिवाली है, ऐसे में अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार ने फटाकों पर बैन कर दिया है, तो ऐसे में आप लोग किस तरह से मॉनिटर करेंगे? हमें कोई अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इल्लीगल तरीके से अगर कोई भी आइटम बेचा जा रहा है इंक्लूडिंग फटाका, तो उस पर फिर हम नेसेसरी लीगल एक्शन ले रहे हैं।